बस हसबान नहीं बनाबो बस वोट द्रावो बस वोट द्रावो बस वोट द्रावो पनुम लीडर बस हसबान नहीं बनाबो बस वोट द्रावो बस वोट द्रावो बस वोट द्रावो अस वोट द्रावो अस वोट द्रावो आओ वोट डाले आओ वोट डाले आओ वोट डाले आओ वोट डाले तरकी के खातिर वोट डाले कच्चू के खातिर वोट जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन आए इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के मुताबिक और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री पांडुरंग कपोदर सर की डायरेक्शन के मुताबिक पूरे आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर अभी कश्मीर में इलेक्शन को लेकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको हम स्वीप कहते हैं वो जगह जगह पर हर जगह से चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पुलिस ने जो बहुत सब पार्टियाँ हमारे साथ हमें सहयोग कर रहे हैं किया है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। और ये पर्पस यही है आपके मीडिया आप ही एक ऐसा सोर्स है जो लोगों तक अवेयरनेस फैला सकते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि आप नो वोटर, हमारा ये पर्पस है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई बंदा हमसे छूट ना जाए कि जिसको तक हम पहुँचाए ना ये बात कि इलेक्शन आ रहे हैं। और वो उनसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि वो लोग ये आपके जो नेक्स्ट इलेक्शन है 13 मई को, देन 20 मई को, देन 25 को, तो जो जो उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वो अपने पोलिंग बूथ पे जाएं। अब वो पहले जैसा पोलिंग बूथ नहीं है, अब ये सारे आपको सारे पोलिंग बूथ जो हैं वो सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलेंगे। वो सारी फैसिलिटीज़ इसमें कुछ स्पेशल भी हैं, हमारे पिंक पोलिंग बूथ बने हैं, कुछ ग्रीन पोलिंग बूथ बनेंगे, कुछ स्पेशल यूनिक पोलिंग बूथ बने हुए हैं, तो जिसमें आपको जाके अच्छा लगेगा कि आपको ऐसा पहले जैसे लोग सोचते थे कि बोर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाके। और आपका भी ये फ़र्ज़ है, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम इस डेमोक्रेसी के पार्ट में जिसको हम बोलते हैं चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ये हमारा मिशन है लोगों है। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से हर बंदा, हर यहाँ का लोग 100% यहाँ से पोलिंग करें, पार्टिसिपेट करें और डेमोक्रेसी का पार्ट करें। स्पेशल एबल्ड लोगों, हाँ, उनके लिए भी जो है वहाँ पे जो ब्रेल में है उनके लिए भी वहाँ पे ईवीएम में फैसिलिटी है, प्लस उनके पास अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो होती है उसके तहत उनके लिए वहाँ पे रैंप्स बने हुए हैं ताकि उनको होगा, लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए साथ में कुछ प्ले वे भी होगा उनके खेलने के लिए, या कोई और भी जो ओल्ड एज हैं 80+ जो लोग हैं, आपने देखा 80+ और जो 40% से ऊपर जो जिनकी डिसेबिलिटी है वो लोग उनसे होम जारी ऐसा है ताकि उनको वो रूम ना रहे, उनमें ये ना कि हम बीमार या हम जा नहीं सके, हमें लगता नहीं किया, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन है ये सारे देख रही हो जगह जगह हो रहे हैं। और ये तक जो अब यहाँ ये प्लेट हमारा आना हम लोगों तक कैसे पहुँचे, और एक छोटा का मैसेज आप अपने लेवल पे थोड़े के घर घर पहुँचाएंगे। सानी गाम शोक कि
सबको आजकल आपको पता है, सब लोगों को पता है कि इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन चलाना इलेक्शन की बहुत अहम ज़रूरत है। आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन बहुत टाइम से नहीं हुआ है, अब वो दिन आए हैं और इलेक्शन शुरुआत हुई है। और हमारे यहाँ इलेक्शन है 13 को भी है, 20 को भी है, और भी है दो तीन MPs 25 को है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये गुजारिश है, पूरे अवाम को हम गुजारिश करते हैं, अगर 18 साल से जो बच्चा पैदा होता है कि उसको वोट जायज़ है, और ये जमहूरियत का हक है, हमारा हक बनता है कि वोट ज़ाया नहीं करना है। इस वोट की अहमियत जो है बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, जब कोई मिनिस्टर बनता है, MP बनता है, MLA बनता है, वो तभी बनता है, उसको लोग ही बनाते हैं। और लोगों को आज ये सोचना है कि हम किसको वोट डालें। वोट उसको डालिए आप, हम गुजारिश करेंगे जो अच्छे लोग होंगे, जो खदमत खलक करेंगे, जो लोगों का काम करें, और इसका बहुत सारे फायदे हैं। यही मुद्दा और मकसद है। इस लोकेशन का चुनने का ये मतलब है कि पब्लिक प्लेस है, ये पब्लिक आता जाता, संडे वो सारे लोग आते रहते हैं, शॉपिंग करते हैं बाकी, और इनको थोड़ा सा पता चले कि इलेक्शन मुहिम क्या है, इसलिए ये लोकेशन चुनते हैं। ठीक, थैंक यू।